प्रो कबड्डी सीजन 8 का मैच नंबर 114 बेंगलुरु बुल्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में खेला जाएगा। ये मैच दोनों टीम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। अगर ये मैच बेंगलुरु बुल्स की टीम हार जाती है तो यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं 90% प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। एंड अगर ये मैच जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम हार जाती है तो जो प्ले ऑफ का जो रास्ता यहाँ पे आसान जयपुर का दिख रहा है वो यहाँ पे अब कठिन हो जाने वाला है। इस मैच में दोनों टीम्स का स्टार्टिंग सेवन रह सकते हैं। दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले, पूरा मैच को डिटेल में प्रीव्यू करेंगे। तो गाइस वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लो यहाँ पे सबसे पहले आज के मैच के मैनर को जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉइंट्स के बात करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन के बारे में बात करेंगे। देन दोस्तों हम दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ नजर डालेंगे कि आखिर हेड टू हेड में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। देन दोस्तों हम दोनों टीम्स को एनालाइज करने वाले एंड फाइनली एंड में प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन सी टीम ये मैच जीत सकते हैं। तो गाइस फटाफट यहाँ पे मैं आपको दोनों ही टीम्स की स्टार्टिंग सेवन बता दूं। सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स की। तो गाइस हमें बेंगलुरु बुल्स के स्टार्टिंग सेवन देखने को मिल जाएंगे। पवन सहरावत, मोहित सहरावत, अंकित भरत, मोए जीबी, सौरभ नंदल एंड अमन, ये बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग सेवन। तो यहाँ पे पिछले मैच में थी जहाँ पे पवन सहरावत को 12 पॉइंट्स मिले, मोहित एंड अंकित को एक एक पॉइंट मिला, भरत को 11 पॉइंट्स मिले, मोए जीबी को 2 पॉइंट्स मिले, सौरभ नंदल को 1 पॉइंट मिला एंड अमन को 4 पॉइंट्स मिले। बेंगलुरु की टीम ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था एंड मुझे लगता है कि बेंगलुरु बुल्स की इस मैच में सेम स्टार्टिंग सेवन रह सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स की। तो गाइस हमें जयपुर पिंक पैंथर्स के स्टार्टिंग सेवन देखने को मिल जाएंगे। अर्जुन देसवाल, दीपक सिंह, विशाल, दीपक हुड्डा, अमित नागर, सऊल कुमार एंड संदीप धुल, ये जयपुर पिंक पैंथर्स की स्टार्टिंग सेवन। जहां पे पिछले मैच में थे जहां पे अर्जुन देसवाल को 14 पॉइंट्स मिले, दीपक सिंह को 1 पॉइंट मिला, विशाल को 3 पॉइंट्स मिले, दीपक हुड्डा को 5 पॉइंट्स मिले, अमित नागर को 1 भी पॉइंट नहीं मिला, सऊल कुमार को 4 पॉइंट्स मिले एंड संदीप धुल को 3 पॉइंट्स मिले। जयपुर की टीम ने लास्ट मैच में एवरेज परफॉर्मेंस दिखाया था, अच्छा खेला एंड मुझे लगता है कि जयपुर की टीम की भी इस मैच में सेम स्टार्टिंग सेवन रह सकती है। अब दोस्तों बढ़ते अपने हेड टू हेड राउंड की तरफ, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो गाइस यहां पे बेंगलुरु बुल्स एंड जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में अब तक पीकेएल हिस्ट्री में टोटल 12 बार मैचेस हो चुके हैं, जहां पे बेंगलुरु बुल्स की टीम 8 बार जीती है एंड वहीं पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम 3 बार जीती है एंड एक बार जो मैच है वो यहां पे टाई में एंड हुआ है। तो देखा जाए तो गाइस यहां पे हेड टू हेड में बेंगलुरु की टीम काफी आगे चल रही है, लेकिन इस सीजन की बात करें तो गाइस यहां पे इस सीजन भी बेंगलुरु बुल्स की टीम ने जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में बेंगलुरु बुल्स का पलड़ा भारी है। अब दोस्तों यहां पे दोनों टीम्स को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स की। तो गाइस अभी बेंगलुरु बुल्स की टीम ने कुल यहाँ पे 19 मैचेस खेले, जिसमें से 9 मैच जीती, 8 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई रहे एंड इनके पास टोटल 55 पॉइंट्स है। बेंगलुरु बुल्स की टीम अभी पॉइंट्स टेबल पे 5वें स्थान पे, अगर मैच जीत जाती है तो यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे 3रे स्थान पे आ जाने वाली है एंड यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स के अभी भी 3 मैचेस बचे हुए एंड बचे हुए तीनों मैचेस कैसे भी करके इनको जीतने हो गए, यानी कि आने वाले 3 मैचेस नॉकआउट रहने वाले। अगर एक भी मैच हारती है तो यहाँ पे प्लेऑफ का जो सपना आसान दिख रहा है वो यहाँ पे लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो गाइस यहाँ पे रीडर्स ने लास्ट मैच में अच्छा खेला, जहाँ पे पवन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया एंड सबसे स्पेशली भरत भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड साथ ही साथ मोरे जीबी ने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया। अब भरत के साथ मोरे जीबी भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मोरे जीबी की जगह यहाँ पे चंद्र रंजीत भी स्टार्टिंग सेवन के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। अब इनमें से कोई एक चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, लेकिन पवन एंड भरत ने लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था एंड वहीं पर बात करें डिफेंस की। तो गाइस यहाँ पे डिफेंस ने भी अच्छा खेला, जहाँ पे अमन चले एंड सौरभ नंदल हो गए, अंकित हो गए, मोहित सहरावत हो गए, उन्होंने सिर्फ सपोर्ट दिखाया एंड देखा जाए तो इतना भी अच्छा परफॉर्मेंस बाकी 3 डिफेंडर्स नहीं दिखाया। तो यहाँ पे होप ये करते कि मोहित हो गए, अंकित हो गए एंड सौरभ नंदल हो गए, जो 3 मेन डिफेंडर्स है वो मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, बिकॉज जो भी आने वाले जितने भी मैचेस है वो यहाँ पे डू ढाई मैचेस होने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स की। तो गाइस यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने कुल यहाँ पे 18 मैचेस खेले, जिसमें से 8 मैच जीती है, 8 मैच हारी है, 2 मैचेस टाई रहे एंड इनके पास टोटल 52 पॉइंट्स। जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम अभी पॉइंट्स ट्वेल्व पे 8वें स्थान पे एंड अगर मैच जीत जाते तो पॉइंट्स ट्वेल्व पे 5वें स्थान पे आ जाने वाली एंड यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स के अभी भी 4 मैचेस बचे हुए एंड बचे हुए 4 मैचेस में से जयपुर पिंक पैंथर्स को 3 मैच जीतना होगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का जो सिनेरियो जयपुर पिंक पैंथर्स का निकल के आ रहा है वो तो यहाँ पे ईजी दिख रहा है, लेकिन अगर ये मैच हार जाती है तो यहाँ पे आने वाले मैचेस, जैसे कि अभी बेंगलुरु के 3 में से 3 मैचेस जीतने, वैसे यहाँ पे जयपुर के आने वाले 3 मैचेस 3 मैचेस जीतने हो गए, तो ये मैच कैसे भी करके जयपुर
जयपुर को जीतना होगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो कैसे रेडर्स ने लास्ट मैच में अच्छा खेला, जहाँ पे अर्जुन देशपाल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, दीपक निवास हुड्डा ने भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया, लेकिन अमित नागर उस हिसाब का सपोर्ट नहीं दिखा पाए। तो होप ये करते हैं कि रेडिंग में अमित नागर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। वहीं दूसरी बात करें डिफेंस की, तो कैसे डिफेंस ने अच्छा खेला, जहाँ पे सौल कुमार हो गए, संदीप धुल हो गए, दोनों डिफेंडर्स काफी अच्छा फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। एंड विशाल ने भी लास्ट मैच में अच्छा खेला, लेकिन दीपक सिंह हो गए सीबीए डिफेंडर, तो जो यहाँ पे लास्ट मैच में थोड़ा बेहतरीन और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते थे। तो यहाँ पे डिफेंस में दीपक सिंह एंड रेडिंग में अमित नागर को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होगा। आप दोस्तों बढ़ते अपने फाइनल रनर की प्रेडिक्शन की तरफ, आखिर जो मैच है वो यहाँ पे कौन सी टीम जीत सकती है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग जो मैच है वो यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम जीत सकती है। अब यहाँ पे जयपुर की टीम लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, अब मुझे लगता है कि जयपुर की टीम कमबैक करेगी एंड ये मैच जयपुर की टीम में भी जीत सकती है। बिकॉज जो मुकाबला है वो यहाँ पे बिल्कुल बराबरी का चलने वाला है, दोनों टीम्स काफी स्ट्रांग हमें देखने को मिल रही है, दोनों टीम में से कोई भी टीम जीत सकती है, बहुत ही क्लोज हमें मैच देखने को मिलेगा। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा मैच जीत सकती है, आप भी अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके चलो बता सकते हैं। तो गाइस हो गई पैन करते हैं, आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।